दोस्तों, आज हम एक बहुत यूजफुल सीरी शॉर्टकट देखने जा रहे हैं और वो शॉर्टकट का नाम है सेंड डिले टेक्स्ट मैसेज। यानी कभी कभी आपको ज़रूरत होती है कि कुछ टेक्स्ट मैसेज पर्टिकुलर टाइम पे सेंड करना होता है, इमीजिएटली सेंड नहीं करना होता है, तो ये शॉर्टकट के थ्रू आप वो पर्टिकुलर ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि शॉर्टकट क्या है, iOS 12 के अंदर शॉर्टकट एप्लीकेशन कैसे काम करती है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कुछ पुराने वीडियो जो मैंने इस सीरीज में बनाए थे उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि कैसे उसे डाउनलोड करना है, कैसे उसे यूज करना है, तो आप पहले वो देख लीजिए तो बहुत आसानी रहेगी आपको ये पर्टिकुलर शॉर्टकट जानने के लिए। तो ये सब जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेक प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आप अपने आईफोन के अंदर ये सेंड डिले टेक्स्ट शॉर्टकट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे रखी है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से वो लिंक क्लिक करनी है वाया अपने आईफोन। अगर ये लिंक आप अपने आईफोन में क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर शॉर्टकट आईफोन के लिए ही है। और उसके पहले आपको अपने आईफोन के अंदर शॉर्टकट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। जब भी आप शॉर्टकट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और बाद में ये लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। आपको यहाँ पे टैप करना है गेट शॉर्टकट। तो जैसे आप उसे टैप करेंगे तो आपके जो आईफोन के अंदर शॉर्टकट एप्लीकेशन है उसकी लाइब्रेरी में आपको ये शॉर्टकट इंस्टॉल किया हुआ मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे एक बार सेटिंग्स में जाना है और कुछ एक दो सेटिंग्स आपको कंफर्म कर लेने हैं। पहला ये सेटिंग्स है सिलेक्ट मल्टीपल। अगर आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट को चूज़ नहीं करना चाहते तो इसे ऑफ ही रखना है। ऑफ रखेंगे तो आप एक कॉन्टैक्ट को चूज़ कर पाएंगे। और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो नीचे आपको चेक करना है शो व्हेन रन, ये ऑफ। ऑफ अगर होगा तो ऑटोमेटिकली जो आप SMS जो भी तैयार रेडी करेंगे वो चला जाएगा। तो अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो क्या होगा कि जब भी SMS सेंड होगा तो SMS की एप्लीकेशन ओपन होगी और आपको मैन्युअली सेंड करना होगा, तो इसे ऑफ ही रहने देना है। अगर कोई भी रीज़न से शॉर्टकट में कुछ चेंजेस हुआ होगा तो ये ऑन होगा, तो आपको अगर ये ऑन है तो इसे ऑफ कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसे रन कैसे करना है, तो नॉर्मली आप रन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि विजेट में भी जाके रन कर सकते हैं और शॉर्टकट एप्लीकेशन के अंदर से भी रन कर सकते हैं। तो अभी मैं शॉर्टकट एप्लीकेशन के अंदर से बता रहा हूँ, तो आपको इसे टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरा जो दूसरा नंबर है, यहाँ पर मैं वो नंबर चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ प्रशांत मांगुकिया 2, और जो भी मैसेज आप सेंड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख लिया हेलो। तो मैसेज लिखने के बाद आपको टैप कर देना है ओके। जैसे आप टैप करेंगे ओके तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको कितने बजे ये मैसेज सेंड करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे टाइम के हिसाब से 5 बजे, तो 5:01 पे मुझे मैसेज सेंड करना है, तो मुझे टैप कर देना है ओके। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप ये SMS शेड्यूल करते हैं बाद में आपको ये जो शॉर्टकट एप्लीकेशन है उसे किल नहीं करनी है। अगर आप उसे किल कर देंगे तो ये मैसेज सेंड नहीं होगा, आपको इसे ओपन रखना है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मेमोरी में वो एप्लीकेशन ओपन रखी है, क्योंकि अगर आप किल कर देंगे तो ये जो शेड्यूल प्रोसेस है वो निकल जाएगी। और यहाँ पे मैं दूसरा फ़ोन नंबर साथ में रखता हूँ, देखते हैं कि 5:01 पे ये पर्टिकुलर जो शॉर्टकट है वो ट्रिगर होता है कि नहीं। शायद इसे थोड़ी सेकंड लगती है ट्रिगर होने में, एग्जैक्ट 5:01 पे ट्रिगर नहीं होता, 10-15-20 सेकंड आपको वेट करना होगा। जैसे ये ट्रिगर होगा तो तुरंत यहाँ से जो SMS है वो रन होगा और ये जो भी नंबर आपने शेड्यूल कर दिया है उसमें वो रिसीव हो जाएगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे ट्रिगर होने में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सेकंड में ये ट्रिगर हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5:01 ही हुई है और जो दूसरे नंबर पे जो मैंने जो SMS भेजा वो यहाँ पे मुझे मिल गया है। तो बहुत आसान शॉर्टकट है कि कैसे आप पर्टिकुलर टेक्स्ट मैसेज को आप शेड्यूल कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे वो शॉर्टकट चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।